हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज एक और नई वीडियो आप लोगों के सामने लेके आई हूँ। बहुत टाइम के बाद काफ़ी लंबा गैपिंग हो गया है ब्लॉगिंग में। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे ब्लॉगिंग करते वक्त आती होगी चिड़ियाओं की आवाज़, उसके लिए सॉरी, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। अंदर रूम में एसी चलता रहता है, तो इनको भी हम अंदर ही अपने साथ रखते हैं। तो पॉइंट पे आ जाते हैं, कहाँ थी मैं। हाँ, आज काफ़ी टाइम बाद फिर से ब्लॉगिंग कर रही हूँ। रीज़न आपको किसी दूसरे ब्लॉग में बताऊंगी, क्योंकि अभी ये मुझे रेडी हो गई हूँ, मुझे जाना है। अभी मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के वहाँ, मेरे क्लोज फ्रेंड है उसके वहाँ, मतलब आज उसके पूजा का अध्यापन है वैभवलक्ष्मी के, उसने व्रत रखे होंगे तो वो उसका अध्यापन करने वाली है, तो उसी के लिए उसने मुझे बुलाया है। आज है फ्राइडे और अभी बज रहे हैं शाम के 5, तो बस मैं रेडी रूडी होके उसी के वहीं के लिए रेडी हो रही हूँ। तो बाकी की वीडियो आपको उसके वहाँ जाके शेयर करूँगी। तो चलिए मिलते हैं फ्रेंड्स। अब मैं पहुँच चुकी हूँ अपनी फ्रेंड के घर, तो आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। अभी मैं उसके एंट्रेंस पे खड़ी हूँ, तो ये देखिए। तो चलिए अंदर चलते हैं, आप लोगों को मिलवाती हूँ आज अपनी फ्रेंड से। चलो बच्चा पार्टी, सब हेलो हाय कर दो। हेलो, नाम भी बताओ अपना, जल्दी से इंट्रोड्यूस करो। नाम है आयुष। जल्दी बताओ। ओम। ओम। तो अभी तो फैमिली मेंबर्स ही हैं यहाँ पे, और फ्रेंड की अभी पूजा स्टार्ट हो गई है। अभी थोड़ी देर में मिलवाऊंगी, क्योंकि पूजा में बैठी है। और ये है उनकी जेठानी, हेलो कर दो दीदी। तो चलिए आपसे थोड़ी देर में मिलता, अब आ जाएंगे और पूजा स्टार्ट होगी, तो फिर आपसे कंटिन्यू करते हैं। चलो बेटा। तो फ्रेंड्स, मैंने भी शादी के बाद, मतलब स्टार्टिंग में जब मेरे बच्चे नहीं थे, दोनों नहीं हुए थे अर्नवरा दिया, तो उस टाइम मैंने भी व्रत करे थे, वैभवलक्ष्मी जी के व्रत उठाए थे मैंने भी। और फ्राइडे फ्राइडे करना होता है जब आप लोग के, मतलब आपको 11 व्रत या 21 व्रत जितना भी आपने मांगा है उतना रखने के बाद आपको फिर उद्यापन करना होता है। तो मेरे टाइम में तो क्या हुआ था, सोसाइटी में सारी लेडीज़ इतना, मतलब मैं जानती भी नहीं थी, अवेलेबल भी नहीं थे, तो सारे सबको मैं प्रसाद बना के खीर और किताब जो है माता रानी की, जो कथा की जो बुक होती है, वो आपको 11 लेडीज़ को श्रृंगार का सामान और वो सब देना होता है। तो मैंने तो फिर इस तरीके से करा था कि मैंने बना लिया था और मैं सबके घरों में जाके दे आई थी। अब तो आप लोगों को सबको पता ही है, अब तो सारे तीज त्यौहार सब शुरू होने वाले हैं। अब आ गया है सितंबर, और सितंबर के एंड से ही नवरात्रे भी शुरू होने वाले हैं, और नेक्स्ट मंथ तो फिर दिवाली और दशहरा, तो पूरा मतलब फेस्टिव सीज़न ही जाने वाला है। कोशिश करूँगी कि जितनी ज़्यादा व्लॉगिंग हो सके इस बीच कर पाऊँ, और काफ़ी लेट व्लॉग डालने के लिए इसके लिए सॉरी। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी पूजा ख़त्म हो गई है और बाकी सब जनों का वेट कर रहे थे, सब लोग काफ़ी लेट लेट हो गए थे। आ रहे हैं हम सब, सब सब आ रहे हैं। तो काफ़ी छोटी सी वीडियो है, बहुत ज़्यादा मैंने शूट नहीं करा, क्योंकि पूजा सबके घर में अपनी प्राइवेसी होती है, तो बहुत ज़्यादा फिर शूट करना भी अच्छा नहीं लगता। तो जब थोड़ा सा खाली हो गया था उस समय भी इसलिए करा, क्योंकि पहले बहुत बिजी बिजी चल रहा था, सारे बच्चा पार्टी भी थे। अभी और कोई बाकी है? हाँ, अभी मैंने बोला ना 6 बजे का टाइम मैंने सबको दिया, तो सब सारे 6 बजे से हो जाते हैं।
हम ही लोग जल्दी आ गए थे। आप लोग सही आए, जस्ट आरती कर ही रही थी तब तक आप लोग आए। नहीं घर में भी तो काम होता फिर आंटी बोली वहाँ की पट लो घर में भी काम होता पूजा पाठ होता घर में। अरे उन बच्चों को फ्रूटी बना दी थी तुमने चलो भाई अब हमारी कहीं भी पहली बार आए हैं। पूरी और अभी कुछ चार पाँच फ्रेंड्स ही बचे हैं तो अभी सब व्यापन वगैरह करके अब सब अपने घर को जा रहे हैं। तो मैं अभी थोड़ा सा सबसे छोटा छोटा सा इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका है। वही दे दो थोड़ा सा, मैं ये जो रेड साड़ी में दिख रही है बीच में फ्रेंड है हाँ, और बगल में उनकी जिठानी है मेरी जिठानी और ये मोस्टली सारा स्कूल का ग्रुप है इन लोगों का हाँ। तो काफी सारे फ्रेंड्स बहुत बिजी थे तो उस समय मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाई। तो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो मेरी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।